आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के वलसाड जिले में। आपको बता दें कि गुजरात के 19 जिलों के 89 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। 3 घंटे का वक्त बीत चुका है, 8 बजे से मतदान की शुरुआत हुई थी और 11 बजे का वक्त हो चला है। लेकिन देखिए हर जगह से जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों की लंबी कतार, वोटर्स की लंबी कतार नजर आ रही है। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, पुरुष भी पहुंच रहे हैं और कहीं भी ये उत्साह कम होता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। तस्वीरों के जरिए लगातार न्यूज 18 इंडिया आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। और आपको बता दें कि इस बार का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, आम आदमी पार्टी ने 77 सीटों पर, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी और आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। लेकिन इस बार ऐसी कई सीटें कही जा रही है जहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय कहा जा रहा है। वलसाड जिले की मैं बात करूं तो ये जो है वो सरहदी जिला माना जाता है। यहाँ पर एक तरफ से महाराष्ट्र से सरहद लगती है, दूसरी तरफ से दमन एंड दीव से यहाँ पर सरहद लगती है और खासतौर पर यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जो है उस पर बीजेपी अपना परचम लहराती रही है। और वलसाड की अगर पार्टी विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पर कानूभाई देसाई जो कि वित्त मंत्री है गुजरात सरकार में, उनकी वजह से ये सीट वीआईपी सीट हो जाती है और एक बार फिर से बीजेपी चाहेगी कि यहाँ पर वो अपना परचम लहराए, अपना झंडा बुलंद करे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से गुजरात की वापी में खासतौर पर ये मतदान केंद्र है जहाँ पर लोगों की लंबी कतारें, महिलाएं पुरुष सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा परसेंटेज अभी तक देखने को मिल रहा है। जसप्रीत भी हमारी सहयोगी लगातार सुबह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। जसप्रीत तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल पूजा, तो देखिए हम लोग मौजूद हैं भावनगर पश्चिम में और ये वीआईपी सीट है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि जीतू भाई वघाणी हैं। सुबह से हम आपको अलग अलग रंग दिखा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ये रंग है। कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपने दादा के साथ आए हैं। अच्छा सर, आपने वोट दे दिया? दे दिया। ठीक है, आप, आपका नाम क्या है? नित्या। नित्या, आप, ये कौन है आपके? बाबा। अच्छा, आपको पता है कि आज वोट है? हाँ पता है। तो आप क्यों आई है यहाँ पे? ऐसे ही आई है। आपका नाम क्या है? डरनव। डरनव, आपको पता है कि आज वोटिंग है? वोट के बारे में पता है आपको? नहीं पता, आप सिर्फ ऐसे घूमने आए हैं। हाँ तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे ये आए हैं और आप इनको लेकर के आए हैं साथ में, और कोई परिवार का आया है? मेरा बेटा है और मेरी पुत्र वधू है। अच्छा, उन्होंने वोट दे दिया है? नहीं, लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं जिसको दिमाग में रख के आपने वोट दिया है? हमारा तो कोई मुद्दा नहीं है, अपन ने तो वोट दिया है, काम अच्छा, पूरा करा है। ठीक है, काम पूरा किया है। तो देखिए ये सबकी जिम्मेदारी है और न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से हम अपील करेंगे कि जिन लोगों का भी वोट ये 19 जिलों की 89 सीटों पर है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। आपने वोट दे दिया? दे दिया। देखिए तो ये दिखाते हुए, और क्योंकि वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करेगा कि लोगों में कितना उत्साह है, गुजरात की जनता क्या चाहती है। विकास तो है ही। हाँ, और राष्ट्रवाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो नाश्ता कर लिया आपने? खैर अब तो 11 बज गए, आज तो फास्ट है हमारा। हाँ हाँ, गुरुवार है, फास्ट है। अच्छा, आज व्रत है आपका। ठीक है ठीक है, तो देखिए ये लाइन भी हम आपको दिखाएंगे। अब चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह के पास। अरुण, अब आप क्या तस्वीरें हमें दिखाने वाले हैं? देखिए मैं इस वक्त राजकोट में हूं और राजकोट के चारों विधानसभा सीटें जो हैं उस पर मतदान तेज गति से चल रहा है। और यहां पर देखिए जो लाइन है, लंबी लाइन मतदाताओं की, वो अभी भी लगी हुई है। और कहा यह जाता है कि राजकोट में दोपहर में लोग आराम करते हैं, दोपहर में लोग 1-2 घंटा सोते हैं, इसलिए अब तेजी है, अब ज्यादातर लोग मतदान करने आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मानस माकड़। मानस, आप पहली बार वोट दे रहे हैं, किसके पहले दे चुके हैं? पहली बार। अरे तब तो बड़ी खुशी है कि थोड़ा सा अपने ऊपर वो है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे? नहीं नहीं, खुशी है, पूरी खुशी है। खुशी है। अच्छा, आप किसी पार्टी का नाम मत लीजिएगा, लेकिन क्या सोच करके, युवा जो है ना देश का भविष्य है, तो आप जो सोचते हैं वो पूरे देश के युवा सोचते होंगे, क्या सोचते हैं आप लोग, कैसी सरकार होनी चाहिए? नहीं, हमें इसको इनको ही वोट देना चाहिए जो क्या देश का विकास करते हैं, उनको ही हमें वोट देना चाहिए। तो देश का विकास हो रहा है तो मैं उसी को वोट दूंगा। तो आप अभी पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या करना है? अभी मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है। अच्छा, इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनने से पहले देश के लोकतंत्र में जो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो उनका कर्तव्य है, उसका वो पालन कर रहे हैं। और बहुत सारे देखिए यहाँ पर युवा भारी संख्या में हैं, महिलाएं देखिए वहाँ पर वोट दे करके मताधिकार का प्रयोग करके और इंतजार कर रहे हैं घर के बाकी लोगों का, जो लोग आएंगे उनके साथ वो घर जाएंगी। लेकिन
सुबह से ही काफी संख्या में हिंदी बोलनी आती है इसमें से किसी को? थोड़ा बहुत बोलनी थोड़ी बहुत आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सब समझ, सब सही है, हिंदी हिंदी बोलनी आती है आपको? आती है, थोड़ा सी आती है। एक बात बताइए, यहाँ राजकोट में मैंने देखा था, मैं पहले भी आया हूँ, दोपहर में लोग तो 2 घंटे सोने जाते हैं। हाँ सोने तो जाते हैं, इसलिए तो यहाँ से जो गिरदी हो रही है 12 बजे तक 1 बजे तक जो ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, और 1 से 4 बजे तक वो लोग सो जाते हैं, वो लोग कम मतदान होता है, 4 बजे से बाद वो निकलते हैं। जब पहली बार मैं आया था गुजरात के राजकोट में, तो जब दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा, दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग अपने घरों में सोने चले जाते हैं, आराम करते हैं, खाते हैं, तब अजीब लगता था, लेकिन अब ये पता चला है कि ये हमेशा से ये नियम रहा है यहाँ का। हाँ ये हमेशा यही नियम का कई सालों से यहाँ नियम रहा है, और आराम करते हैं, दूर दूर व्यापार धंधा करते हैं, वो आराम करते हैं जाते हैं, और 9 बजे तक वो नौकरी धंधे पर जाते हैं, तो आराम से नौकरी करते हैं, सभी दुकानें व्यापारी सभी बंद रहते हैं। यही राजकोट, ये रंगीला राजकोट कहलाता है, और यही एक ये सिटी की एक। अच्छा रंगीला राजकोट क्यों कहते हैं? रंगीला क्यों? क्योंकि ये कई कलर, देखिए जरा इसको दिखाइए, ये कई कलर में रंगा हुआ रंगीला, इसी को रंगीला कहते हैं कि और कुछ होता है? रंगीला क्या रंगीला होता है? राजकोट रंगीला कैसे है? रंगीला तो ऐसा है कि यहाँ कई त्योहार, नाने मोटे त्योहार सब अच्छी तरह मनाते हैं, रंग से मनाते हैं, और सभी भाईचारे की तरह मनाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रंग है, इसलिए रंगीला है। तो ये देखिए रंगीला राजकोट है, ये रंगीला राजस्थान भी है, रंगीला राजकोट भी है, देश सतरंगी है, रंगीला हमारा देश है, बहुविविधता है यहाँ पर, तमाम धर्म, जाति, भाषा, नस्ल, तमाम रंग के लोग हैं, तमाम रंग हमारे देश में है, देश हमारा फूलों का गुलदस्ता है, और इसीलिए रंगीला ये राजकोट है।